Good morning guys, so welcome back to my YT channel. So in this morning I am having this sweet potato जो कि मैंने boil कर चुका है as a breakfast and ये मेरा black coffee थोड़ा गंदा हो गया है because मैं already एग खा चुके थे. Anyway, let me have my breakfast and after that I have to go for my workplace. To be honest guys, मेरा जो tongue test है ना पूरा चला गया है. I don't know, जब से मेडिसिन लिया है तब से पूरा यू नो मुँह का टेस्ट चला गया है. मैं जो भी खाऊँ ना मुझे टेस्ट मिलता ही नहीं लाइक दैट. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट यू नो, कुछ भी खा लो ना मुझे टेस्ट होता ही नहीं, ऐसे हो रहा है. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू ईट एनीथिंग जो मुझे माइंड में आ रहा है. मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ खाने के लिए लेकिन मुझे कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा है. सो इट्स ब्लैंड यू नो, बट क्या ही करो, फिर भी खाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मेडिसिन कैसे खाएंगे. बाय द वे इट इज 8:38, मुझे स्कूल पहुंचना है 9 बजे को. एंड गाइस, मैं अभी ड्यूटी से पहुंची हूं एंड आई वांट टू हैव दिस एप्पल बिकॉज पानी नहीं आ रही है. बिस्किट तो है होने में, मेरा आता बिकॉज कंटेनर नहीं है बड़ा वाला. सूप पोटैटो का स्पाइसी वाला. ओके नाउ लेट मी हैव माय एप्पल. ये मीठा है ना क्या है समझ में नहीं आ रहा लेकिन जूसी है. इस एप्पल में बहुत होता है ना जूस तो है. तो अब मैं खाऊंगी ये पनीर का फ्राइड राइस और मुझे ना कुछ भी टेस्ट मिलता नहीं है. सो मैंने एक या दो तो मिर्चा भी डाला है इसमें. सो एज़ यू कैन सी चंक्स ऑफ पनीर हियर एंड लुक एट द वेदर गाइस. सो लेट मी हैव दिस. और ये मेरा आज का लंच है बिकॉज मुझे कुछ भी पकाने को मन नहीं है एंड आज पानी भी नहीं आया है. आई डोंट नो क्या ख़राब हो गया है. मालिक बोल रहे थे कि मोटर ख़राब हो गया लाइक दैट. सो आई थिंक इट विल टेक टाइम, शाम तक पानी आ जाएगा. दैट इज़ व्हाई मैं लेफ्ट ओवर राइस को ही फ्राइड राइस बना के खा रही हूँ. I bought this 3 books. Class 11 का है ये political theory and this one is construction at work and I have this one history. इसको पढ़ना पड़ेगा. Okay, now it's time to sleep. Yes, मैं अब सोने वाली हूँ because अभी शाम हो चुका है 3:17. So I think I will sleep like for half hours. I mean to say 30 minutes only. So guys, मैंने ये जो मेरा basket है इसमें मैंने धनिया को जो होता है ना सीध को यहाँ पे भिगो के दो दिन, एक दिन भिगोया था उसके बाद यहाँ डाल लिया था. एंड मैंने ऊपर में कुछ soil मतलब कि ये गोबर है उसको यहाँ डाल लिया है. और yeah, let's see. और ये बोरा मैंने सोची कि यहाँ पे भी सोयल डाल के टमेटो का सीध, अरे टमेटो का हाँ ग्रो करूँगी. आई डोंट नो, अभी टाइम होगा तब ना करूँगी. सो अभी ऑलरेडी शाम हो चुकी है एंड अभी भी पानी नहीं आया है गाइस. सो आई एम सो नो सिक ऑफ दिस बिकॉज मुझे नहाना था दिन को देर का टाइम है ना.
पास है ये बेजीज, और ये ऑर्गेनिक होता है, उसको मतलब ग्रो नहीं करता है उसको ना, ये खुद से जंगल में उगने वाला सब्जी है। एंड इसको ना हमको मतलब इसको आई थिंक आई हैवेंट ईट दिस वन लाइक फॉर वन ईयर, इसको कुछ मोर देन वन ईयर हो गया मैं खाया नहीं है। सो आई वॉज क्रेविंग, दैट इज़ वाई मैं कल रात को जब शाम को बाहर गई थी तब मैंने ली थी। आई थॉट कि आज बना के खाऊंगी लंच में, लेकिन आज पानी आया है नहीं, सो मैं उसको अभी छान के रखती हूँ, लाइक उसको थोड़ना पड़ता है लाइक दिस। तो आज शाम को पानी आने से देन आई विल कुक डिस, एंड इट्स कॉल्ड ओइक। जो होता है ना बर्तन ताले भी बढ़ती हो गया है लाइक, क्योंकि पानी सुबह से नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह से मैं खा रही हूँ लेकिन पानी ही नहीं आ रही है बर्तन को धोने के लिए। और बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मैंने रात का डिनर भी खा लिया है, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज टायर्ड, एंड मुझे ना हाँ बस बदन मतलब कि बहुत लेजी ऐसे फील होता है, इसलिए कुछ भी करने मन नहीं हो रही थी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से बनाऊँ। और बाय गाइस।